नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे समुद्र तट है। समुद्र तट लेसन नंबर 6 है और बहुत ही अच्छा लेसन है। इसमें करण कारक तथा संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये कारक और कारकों के चिन्ह तो आपको याद ही होंगे। कर्ता ने कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की अधिकरण में पर और संबोधन ही अरे हो। तो इन कारक चिन्हों के माध्यम से ही हम अनुवाद करना सीखते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, हम इसका अध्ययन करते हैं और इनका अनुवाद जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समुद्र तट है। समुद्र तट भारत से तीसरेसु दिशासु समुद्र तटा संति। अब ये समुद्र कारक है और समुद्र कारक का चिन्ह होता है का के की। तो यहां पर भारत से, तो भारत की क्या हो गया, भारत की, ये अर्थ हो गया। तीसरेसु दिशासु, तीनों दिशाओं में, यहाँ पर तीसरेसु जैसे रामेशु, दिशासु दिशा, दिशा जो शब्द है दिशा, इसके अंत में क्या है आ, तो ये किसकी तरह चलेगा, लता की तरह। तो लता में लतायाम लतयो लतासु, लतायाम लतयो लतासु, तो दिशायाम दिशयो दिशासु, ये भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। तो क्या अर्थ होगा, भारत की तीनों दिशाओं में, तीनों दिशाओं में, ये अर्थ हुआ। समुद्र तटा संति, समुद्र तट है, जैसे राम है रामो रामाहा, समुद्र तट है समुद्र तटो समुद्र तटाहा। तो समुद्र तट, समुद्र तट अस्ति स्तः संति, समुद्र तटाहा, समुद्र तट बहुवचन है तो संति बहुवचन आएगा, समुद्र तट है। तो स्पष्ट हुआ हमारा अर्थ, भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अब नेक्स्ट, संति आया क्यों आया, क्योंकि समुद्र तटा है, ये बहुवचन है, समुद्र तट है, समुद्र तटो समुद्र तटाहा। इसी प्रकार से अस्ति स्तः संति, ये बहुवचन है। नेक्स्ट, अस्मात् कारणात् एव, इसी कारण से ही, एव मीन्स ही, एव मीन्स ही, कारणात् कारण से, अस्मात् इसी, तो लिखेंगे अनुवाद, इसी कारण से ही, इसी कारण से ही प्रायद्वीप इति कथ्यते, प्रायद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीप इति इस प्रकार कथ्यते कहा जाता है, इसी कारण से ही प्रायद्वीप, प्रायद्वीप कहा जाता है, कथ्यते मीन्स कहा जाता है, ये अर्थ स्पष्ट हुआ। नेक्स्ट, पूर्व दिशायाम, जैसे लतायाम, जैसे लतायाम, उसी प्रकार से पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में, बंगोपसागर मीन्स बंगाल की खाड़ी, लिखेंगे पूर्व दिशा में, बंगोपसागर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये अर्थ हुआ। पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में, बंगोपसागर बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशायाम, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, हिंद महासागर, तो लिखेंगे दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। पश्चिम दिशायाम चे, और चे मीन्स और, पश्चिम दिशा में अरब सागर अस्ति, अरब सागर है, और पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में अरब सागर है, पश्चिम दिशा में कौन सा सागर है, अरब सागर है, अरब सागर है, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए, एतेषां त्रयाणां सागराणां संगमः अपि कन्याकुमारी तटे भवति, इन
त्रियानाम तीनों सागरानाम सागरों का संगमे संगम अभिमिंच भी कन्याकुमारी तटे तट पर भवती होता है। इन तीन सागरों का संगम भी कन्याकुमारी तट पर होता है। तो अनुवाद लिखेंगे इन तीन सागरों का संगम भी कन्याकुमारी तट पर होता है। ये अर्थ हुआ इन तीन सागरों का संगम भी कन्याकुमारी तट पर होता है। भवती मीन्स होता है। क्या होता है? संगम है, संगम। और सागराणाम इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, जैसे रामाणाम रामस्य रामयो रामाणाम, तो सागरस्य सागरयो सागराणाम। यहाँ पर त्रियाणाम है, ये भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। एतेषाम एतस्य एतयो एतेषाम, ये भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। कहने का मतलब है संबंध कारक है। तो इन तीन सागरों का संगम भी कन्याकुमारी तट पर होता है। तटे अधिकरण कारक है, एक वचन तट पर होता है। अत्र मीन्स यहां, पूर्णिमायां पूर्णिमा पर, पूर्णिमा तिथि को, पूर्णिमा तिथि पर सूर्योदय सूर्यास्तम से, सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय तथा सूर्यास्त युगपदेव दृष्टुं शक्यते, एक साथ देखा जा सकता है, एक साथ देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। कहने का मतलब बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है। अब यहां पूर्णिमा पर, पूर्णिमा तिथि पर, इसमें अधिकरण कारक है और एक वचन है। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ देखा जा सकता है। कहने का मतलब समुद्र तट पर चंद्रमा का उदय होना और सूर्य का अस्त होना बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। ये एक साथ देखे जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों एक बार और देखते हैं इसका अनुवाद, जिससे हम आसानी से समझ सकें। तो आइए देखते हैं, भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अस्मात् कारणात् एव, इसी कारण से ही प्रायद्वीप इस प्रकार कहा जाता है। पूर्व दिशायां, पूर्व दिशा में बंगोपसागर है, बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायां, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, हिंद महासागर। पश्चिम दिशायां च, और पश्चिम दिशा में अरब सागर अस्ति, अरब सागर है। तो देखिए दिशायां इनमें सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक है विद्यार्थियों, भव एक वचन। अब आगे देखिए, एतेषां त्रियाणां सागराणां संगमे अपि, इन तीन सागरों का संगम भी कन्याकुमारी तट पर होता है। यहां पूर्णिमा तिथि पर चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ देखा जा सकता है। दृष्ट मीन्स देखना, इसमें तुमन प्रत्यय है विद्यार्थियों, आगे की क्लास में हम अवश्य पढ़ेंगे। एक बात हमें ध्यान रखना है, किसकी? कि पुरुष की बात ध्यान रखनी है भाई। अहम आवाम वयम, ये उत्तम पुरुष के तीन कर्ता होते हैं, इनके अलावा उत्तम पुरुष का कोई भी कर्ता नहीं होता है। अहम का मतलब मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब, और त्वम युवाम यूयम, ये मध्यम पुरुष के तीन कर्ता होते हैं, इनके अलावा मध्यम पुरुष का कोई भी कर्ता नहीं होता है। त्वम मीन्स तुम, एक वचन, युवाम तुम दोनों द्विवचन, और यूयम तुम सब बहुवचन। और इन
तीन कर्ता उत्तम पुरुष के, तीन कर्ता मध्यम पुरुष के, इनके अलावा जितने भी कर्ता होते हैं वो सब प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। तो विद्यार्थियों एक बार देखिए, जैसे समुद्र तटा, ये प्रथम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया प्रथम पुरुष बहुवचन की प्रयोग की गई, अस्ति स्तय संति। प्राय दीप है, प्रथम पुरुष एक वचन है, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की प्रयोग की गई, करते थे। ठीक है, अरब सागर है, प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया प्रयोग की गई, अस्ति। ठीक है, यहाँ पर संगम है, प्रथम पुरुष एक वचन, क्रिया प्रयोग की गई, प्रथम पुरुष एक वचन की, भवती ही। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम पुरुष के विषय में जानते हैं। तो विद्यार्थियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।